पॉइंट फील्डर के बाजू से गेंद को मारा जा रहा है, गेंद जा रही है बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, चार रन। पहली गेंद पर शानदार चौका जा रहा है, चार रन के साथ बल्लेबाज जिग्नेश ने अपने रनों का अकाउंट ओपन कर लिया, खाता खोला बल्लेबाज का, खाता खोला टीम का, टोटल स्कोर केवल चार रन। पुनः या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय बापू, बापूचा चेंडूचा सामना करेल जिग्नेश, पहिला चेंडू चौकार वसूल केलाय फलंदाजाने। या दरम्यानचा उंच फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू हवेत जातोय, पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, दरम्यान सुंदर झेल पकडली गेली आहे, अर्जुन शेट करून फलंदाज होतो, बाद लागणारा पहिला झटका, एक तेरी और एक मेरी, हम भी किसी से कम नहीं, आपने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और उसे वापिस भेजा जा रहा है पवेलियन में आराम करने के लिए। पहली गेंद पर चौका लगाया गया था, माफ करना नीलेश ना हो जाए विनोद, चलेंगे नए बल्लेबाज विनोद जाएंगे वहां पर बैटिंग करने के लिए मैदान में। चलेंगे फिर से बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, और निश्चित ही दूसरी गेंद पर विकेट मिलने के बाद जब भी किसी गेंदबाज को विकेट मिलती है तो विकेट मिलने के बाद हौसला बढ़ता है और बढ़ते हौसले के साथ, बढ़ते जुनून के साथ और बढ़ते जज्बे के साथ गेंदबाजी करेंगे बापू वाउस्कर, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे नए बल्लेबाज विनोद किरिया। 40-42 साल की इनकी उम्र है बापू वाउस्कर खास करके, लेकिन आज भी उनकी गेंदबाजी में उतनी धार है। वैसे ये गेंद बहुत खतरनाक, बिल्कुल थोड़ी सी ओवर पिच अंदाज की गेंद, स्लोअर फेंकी थी, टप्पा करने के बाद हल्की सी गेंद को मूवमेंट मिली और हल्की सी काटा बदल रही है गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली जा रही है। या दरमियान कुमारी, राजनंदिनी, अभिषेक भैया पूर्वत यांचं पण आपण स्वागत करूया। शॉर्ट गेंद आई बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मारा जाता है, गेंद आ रही है बिल्कुल कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद को पीछा कर रहा है बिल्कुल, बहुत बढ़िया फील्डिंग का एफर्ट वापस देखने मिल रहा है, फिर भी बल्लेबाज निश्चित ही तीसरे रन के लिए निकल रहे हैं बिल्कुल, शायद चौथा भी मिल सकता है लेकिन दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, तीन रन यहां पर दौड़े जा रहे हैं। अच्छा दिवस, अच्छी अच्छा हाफ की चौथी मैच है आणि अशा दोन संघाच्या दरम्यान ही मॅच चालली, ज्या दोन संघापैकी एक टीम नक्कीच पराजित, दुसरी म्हणजेच एका टीमला हार मान्य नाही, हार पसंत नाही, तर दुसरी टीम हारना जानती नाही। तसेच बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बापू की अगली गेंद संता दे की दिया, संता जी इस बार ऑफ्टन के बाहर जाकर गेंद को आसमान में ज्यादा ऊंचा खेला है, खिलाड़ी जा रहे गेंद के नीचे और ये वाला कैच, ब्रिलियंट कैच पकड़ा जाता था, विकेट जा रही है, लगने वाला ये जोर का धक्का देर से लग रहा है। पंढरपूर संघासाठी विनायक ठरला इथे नायक, परंतु फलंदाजासाठी घटना वेदनादायक, बाद झाले फलंदाज संताजी आणि धक्का क्रमांक हा दुसरा, 7 वर दुसरा घात, तो बिल्कुल विनायक बिल्कुल बन गए बल्लेबाज के लिए खलनायक, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त मुश्किल लगने वाला कैच वहां पर पकड़ा गया, अच्छी दौड़ के साथ लंबी रनिंग की और गेंद के नीचे चले गए, नामुमकिन लगने वाला कैच मुमकिन बनाया वहां पर। जी हां, नायक हूं मैं, नाम है विनायक, अप्रतिम कैच। निखिल, नवीन बैट्समैन आणि स्ट्राइकिंग गेंदवरती थांबावं लागणार आहे कारण बदललेला रूल, यापूर्वी आपण पाहायचो नॉन स्ट्राइकर फलंदाज, नॉन म्हणजे फटका मारणारा फलंदाज ज्यावेळेस झेलबाद होतो तो त्यावेळेस, मात्र नवीन येणारा फलंदाज स्ट्राईक वरती नसून नॉन स्ट्राइकिंग गेंडला सुद्धा थांबवू शकत असायचा, परंतु नवीन येणाऱ्या फलंदाजालाच आता स्ट्राईक घ्यावी लागते, बदललेला रूल। चलेंगे फिर से बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, कामयाब और सफल और चलता हुआ फिर से बापू वाउस्कर गेंदबाजी करेंगे स्वर की अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद थी, हल्का सा बाहर किनारा लगा दिखना है जब तक कि शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी गेंद को फील करते, फिर भी एक ही रन बनाने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, पहले ओवर के समाप्ति में स्कोर है केवल 8 रन।
8 for 2, दोन विकेट्स. दरम्यान षट क्रमांक दुसरं, पॉवर प्ले संपल्यानंतर 5 बाहेर 4 तस आपल्याला फील्ड प्लेसमेंट दिसेल आहे. चलेंगे नयर की शुरुआत करने के लिए और एक सीनियर गेंदबाज को अपनी टीम में यहाँ पर. और निश्चित ही अक्सर ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है राज सर, बिल्कुल जुन ते सोन मंडल जाता. ज्या प्रमाणे आनंद मेलगे आएंगे गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से इनिंग का बिल्कुल दूसरा सेकेंड ओवर. एंड मिस्टर आनंद मेलगे द कैप्टन looks good while first delivery. Oh, non-striker batsman slipped, but he is well, he is fit and fine. Nikhil Babar gir pade, Babar run dolne ke liye tulsi jaldbazi kar rahe the, Babar gir pade aur run mein ek hi milega Babar aur is single run ke sath score aage badhta hua total run sankhya is waqt lagbhag pahunch rahi hai kul milakar 9 for 2. बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गेंदने के बाद हल्की सी बाहर निकलती गेंद, आउटकटर अंदाज की गेंद, स्लोर गेंद, इस बार बल्लेबाज को चकमा दे रही है. विनोद इस वक्त कप्तान स्ट्राइक पर है बैटिंग करने के लिए. आनंद मेलगे अपन टेनिस क्रिकेटर तर पक्तोस, परंतु लेदर क्रिकेटर अजून एक खतरनाक असा गोलंदाज. ओह, हल्का सा एज लगा था वहां पर, विकेट कीपर के हाथ से गेंद छूट रही है, फिर भी सिंगल आएगा. सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 10 रन. 2 विकेटों के नुकसान पर आधा ओवर दूसरा कंप्लीट हुआ है. निखिल दोन चेंडूर दोन, तर विनोद जाधव दो, 4 चेंडूर, रन बॉल दोनों बैट्समैन. बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गेंदने के बाद फिर से बल्लेबाज को चकमा देती गेंद, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा जाकर बाहर मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है. अभी भी रुका हुआ स्कोर वही पे, रन संख्या है केवल 10 रन की ऊपर. आनंद मेलगे फॉर द फिफ्थ टाइम again deceived by the change in pace and a little bit of swing. That one is out swing a little bit, slightly leaving the right handed. And Anand Melke, the last delivery of this over. Over pitching in the air and Shekhar Dhotre. Oh, he is also 40 plus player, but showing the great guts, great efforts inside the 30-yard circle while fielding. Over completes, over number second go, complete finish, and it's a 10 for 2. Jadhav Wadi, not 12 runs. Extremely sorry, beg a pardon. But SP sir, 12 dhava keval 2 shatka 2 gadi gamavlyanantar Jadhav Wadi sanghachi hi ji suruvat hai, hi ji batting attaparyant baghitli apan, nakkis पहिल्या सामन्यात ज्या पद्धतीनं काही बॅटिंग शो केला होता त्यांनी, तसा इथं नाहीये. तर काळजीत नक्कीच टीम तंबूमध्ये असणार आहे. तर ही सुरुवात का आणि कशामुळे अशी झाली, काय तुमचं मत? निश्चितच या ठिकाणी ज्या प्रकारे मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की जिग्नेशने आक्रमक अशी फटकेबाजी केली होती, ज्या फलंदाजाने फटकेबाजी केली त्याने एक चौकार मारून दुसऱ्या चेंडूवर लगेच त्याला बाद केलं गेलं, त्यानंतर दुसरे फलंदाज आले, निरंतर पद्धतीने बात करत गेले, त्याच्यामुळे हा सामना कमी धावसंख्येचा इथं आपल्याला दिसतोय. गोलंदाजीला आलाय परत सौरभ भारले, आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून डावातील तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजीला येतोय. भारलेचा हा चेंडू अकूट टप्प्याचा चेंडू, उंच फटका खेळलाय, चेंडू जातो सरळ बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने, 6 धावा षटकार येतोय. खणखणीत दणदणीत प्रहार लगावला गेलाय विनोदच्या बॅटून. कडक प्रहार केसीसी चषक 2023 षटकार, अशा फटक्यांची गरज असेल रिकव्हरीसाठी आणि रिकव्हरी करावीच लागणार आहे. पहिले सामने जिंकलेले दोन्ही टीम आहेत, कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे आणि असं असताना मात्र डेड बॉल, तर असं असताना मात्र पंढरपूरकरांची वरचढ, पंढरपुराने डोकं वर काढलेलं या सामन्यामध्ये. आणि इथं जो कोणी जिंकणार आहे तो मात्र प्री क्वार्टर फायनल मध्ये एसपी संघ धडक मारणार आहे, म्हणजे आजच्या दिवसातील शेवटच्या सामन्यासाठी तो पात्र ठरेल हा संघ, जिंकणारा संघ. अगदीच खरं. पुढील चेंडू ऑन साइडला आणि हात मिड विकेट वर, शेवाली बात
कडकडगडी प्रहार गड्यामध्ये मात्र इथं केसीसी चषक 2023 षटकाराचा हार सहा धावांनी धावतवाढ धावसंख्या जर्रा झाड बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा बैक टू बैक निकलने वाला ये जबरदस्त प्रहार निकलता बा फिर से गेंद निकली मानो कि ऐसा लगा इरादा पक्का दे धक्का बल्लेबाज ने मारा फिर से पावरफुल जबरदस्त छक्का 24 दोन गड़ी बाद षटक क्रमांक तीसरो गोलंदाजी करताना पंढरपूरच्या कडून मात्र सौरभ बारले एस बी ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक तैनात तिथं दुसऱ्या धावेचा नाद होईल काय ओ डायरेक्ट थ्रो बसला को करायला गेले गणपती झाला मारुती करणे करणे गए कुछ और हो गया कुछ और ये भैया जबरदस्त एफर्ट और बाउंड्री लाइन से स्टंप को उड़ा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू साहब की इनकी इनकी फील्डिंग देखकर हमें रविंद्र जडेजा की याद आई क्योंकि लेफ्टी है जी जी लेफ्टी यानी कि रविंद्र जडेजा की तरह डायरेक्ट शो कर दिया वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू साहब रविंद्र जडेजा मोहम्मद कैप इनके जैसे ये फील्डिंग एफर्ट यानी कि स्टंप उड़ाने की एफर्ट जबरदस्त अजय कुमार व्हाट अ फील्डिंग एफर्ट व्हाट अ थ्रो दैट इज काही इंच मागे होते आणि वाटलं नव्हतं नॉन स्ट्राइकिंग फलंदाजाला एसपी सर वाटलं नव्हतं की असं काहीसं माझ्या वाट्याला येईल परंतु नीतीचा खेळ कधी कोणाला कळला नाहीये तो आगे अभी भी इस वक्त स्कोर 25 रन पे यहां पर स्कोर बोर्ड पे रन संख्या नजर आ रही है ओ बहुत अच्छी गेंद टप्पा गेंदी के बाद काफी नीचे रहती गेंद कुछ समझ नहीं पाए फिर भी विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है एक ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ इस सिंगल रन के साथ 22 रन का इशारा अंपायर ने बताया बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन की योग पर 26 फॉर 3 ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस लास्ट डिलीवरी टू गो आई थिंक ओ नो मला वाटतं दोन चेंडू मोर टू डिलीवरीज मैदान में ठंडी हवा की लहर भी मैदान में चल रही है बिल्कुल ठंडी की गहरी ठंडी भी यहां पर मौजूद आ रही है लेकिन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी काफी जोशीले मूड में इस वक्त नजर आ रहा है ये देखिए आतिश सरपंच साहब ने अपना हाथ खोला यहां पर गेंद को मारा जा रहा गेंद आएगी बिल्कुल बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ सीमारी का पार करती गेंद बहुत ही जबरदस्त अंदाज टेस्टोक निकलता है इस बार काफी तूफानी अंदाज टेस्टोक निकला मजबूत बल्ला तूफानी हल्ला चिंडू फर्रार खनखनी षटकार विकेट कीपर पहले स्कोर था केवल मेरे ख्याल से 12 रन था अब यहां पर स्कोर पहुंचा 33 रन यानी कि मैच में ये जो 21 रन चले गए यही रन काफी इम्पॉर्टेंट माने जाएंगे टर्निंग पॉइंट आणि आपल्याला नक्कीच फ्लो मध्ये आणण्यासाठी आपल्याला या सामन्यामध्ये आणण्यासाठी असा एखादं षटक शोधावं लागणारच होतं टीम जादवाडी संघाला तर स्पर्धा खेळीमेळीच्या वातावरणात पुढे चाललेलीच आहे मगाशी तुम्ही एक क्षण पाहिला असेल एक चित्र बघितलं असेल विकेट कीपर पंढरपूर संघाचे आणि अर्जुन शेठ दरम्यान हा चेंडू ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली हो अजय साधी इथं ही साधी संधी सोडली मगाशी एका शक्य प्राय विकेट डायरेक्ट थ्रोवर मिळवला आता डायरेक्ट कॅच मात्र घेता आला नाही असं लगा की राज सर अनिश्चितेचा खेळ शंकर सर राज सर ऐसा लगा कि आपकी कहीं जाकर जो तारीफ की थी उसकी वजह से नजर तो नहीं लगी ऐसा लगा वहां पर लगता तो ऐसा आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी नजर लगी मगाशी एक चित्र तुम्ही असं बघितलं असेल मी पाहिलं होतं विकेट कीपर अर्जुन शेट्टी यांनी मात्र षटकार मारल्यानंतर सरपंचांना मुन्ना भाईना आता चान्स असेल का ओ डबल नजर लग गई डायरेक्ट थ्रो तू फेकी तर झाली दरम्यान पाहूया हा मगाच चित्र आणि त्याच्याबद्दल अजून चर्चा मला करायची आहे तुमच्यासोबत की मुन्ना यांनी मात्र मुन्ना राजेंनी षटकार मारलेला होता आणि टाळी मात्र अर्जुन शेटनी मुन्नाभाईंना दिली तर याचं कारण असं आहे आणि हे चित्र असं दर्शवतंय की अलीकडचं क्रिकेट
कितनी मैत्रीपूर्ण वातावरण खेल जाते किती या ठिकाणी एकमेकाच्या खेळाचा एन्जॉय घेतला जातोय, एकमेकाच्या खेळामध्ये आनंद साजरा केला जातोय आणि याचमुळे आजचं क्रिकेट जे आहे ते अगदी वर हाय लेवलला वरच्या लेवलला आहे. चलेंगे प्रसिद्ध बार्गेन बारिका आक्रमण एसपी सर विठ्ठल राजपूत यांच्याकडून मुन्ना राजेंच्या प्रत्येक षटकाराला 100 बक्षीस आलंय. पहिला 100 एक नंबर षटकार मात्र एक नंबर मुन्ना राजे मोरे कमाल के छोरे. पहिल्या षटकारासाठी या ठिकाणी 100 पारितोषिक अभिनंदन आणि कॉंग्रेच्युलेशन. दरम्यान 6 धावांनी धाव संख्या कुठे गेली पहा 41 3.5 षटकानंतर 3 गडी बाद जाधववाडी. मुन्ना राजे की बिल्कुल बहुत ही अच्छी बैटिंग चल रही है. एन वक्त पर अपने टीम के लिए संकट मोचक की तौर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. आगे चले गए गेंद को लॉफ्टी स्टोक लगाने की कोशिश. गेंदार की बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में जब तक कि फील्डर फील करते दूसरा लेने की कोशिश की जा रही है और जब तक कि थ्रो दिया जाता है अच्छी दौड़ के साथ बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में 2 रन दौड़े हैं और इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43 धावा. कल भी कुछ इस तरह का एक मौका आया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया लेकिन टोटल स्कोर है 43 3 विकेट के नुकसान पे 43. थ्रो एक बार लगा था गिल्लियां बिखरी हुई थी बेल्स गिरी थी उसके बाद भी थ्रो लगा खिलाड़ी काफी दूर थे और थ्रो लगा था लेकिन स्टंप्स जो है ना वहां पर एक रूल होता है कि आपको उठानी होती है स्टंप को उठाकर उसको बॉल लगानी होती है तो वैसा नहीं हो पाया इसलिए बच गए थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी. 43-43 3.4 ओवर के खेल के बाद रूल्स जो है टेनिस क्रिकेट हो या फिर आईसीसी का लेदर बॉल क्रिकेट हो वर्ल्ड क्रिकेट हो तो वहां पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं. टोटल 42 नियम क्रिकेट चे आपण बघतो आणि प्रत्येक नियमामध्ये दररोज काही ना काही बदल जाणवतो. चलेंगे फिर से बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे वहां पर आनंद माने की अगली गेंद मुन्ना राजे की दिया. आगे चले गए फुलटॉस गेंद इस बार ऑनसाइड में गेंद को मारा जाता है गेंदार के बिल्कुल बिटबिके क्षेत्र में जब तक कि फील्डर फील करते 2 रन जरूर आएंगे वहां पर और इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर इस वक्त लगभग पहुंच रहा है 45 रन 45 धावा. शेवटचा षटक चाललाय अंतिम क्षण आहे 45 धावा मुन्ना राजे ऑन स्ट्राइक. फुल टॉस नहीं आई सही तरीके से गेंद बल्ले पर भागे है रन आउट का चांस हो सकता है. जिया एक रन कंप्लीट दूसरे के लिए बिल्कुल इनकंप्लीट. विकेट होगा यहां 46 टोटल और 4 विकेटों के नुकसान पर जीत का लक्ष्य 47 और टीम पंडरपुर के लिए. चलिए 24 गेंदे 47 रन ये टारगेट यहां और पंडरपुर की टीम ऑलरेडी जबरदस्त फॉर्म में हमने देखी है. पंडरपुर की टॉप ऑर्डर पहले 3-4 बल्लेबाज जो है काफी जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं तो जादवाड़ी कैसे रोकेगी इस पंडरपुर की बिल्कुल भी इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप को. पंडरपुर 11 पंडरपुर. चलिए जादवाड़ी अब फील्ड लगाएंगे जल्द से जल्द फील्डिंग सेट करेंगे. 1:03 का वक्त है ये चौथा मुकाबला यानी कि आधा इसके बाद और 2 मैचेस मतलब जो है बहुत सारा खेल बाकी है. आज फिर एक बार 2 या 3 बजने वाले 3 तो बजने वाले क्योंकि ये आधा मुकाबला उसके बाद और 2 मतलब देखिए 3 तो बजने को है 1 बचा है इसका मतलब और 2 घंटे तो खेल चलने वाला है. दादा सत्रे सर इनका हर्ष स्वागत करना चाहेंगे हम. साथ में हमारे मिस्टर देवकर साहब है ऋषि देवकर साहब और लॉर्डशीट प्रमुख रोहित धोत्रे साहब
दादा सत्रे जिन्होंने की, दादा सत्रे सर जिन्होंने की हमारे इस टूर्नामेंट के लिए बॉल की स्पॉन्सरशिप ये साल बिल्कुल भी दी है। वैसे नाथावा मोहिते, संजय मोहिते, संजय धोत्रे, कन्हैया काले, रियाज भाई भगवान, सुनील भाऊ धोत्रे, सुनील भाऊ मोहिते, केरवा पवार, श्री बंडू धोत्रे, संजय खड़के, श्रीयुत विजय मोहिते, श्रीयुत रोहित धोत्रे, श्रीयुत लखन धोत्रे, श्रीयुत दत्ता पेटकर, श्रीयुत विष्णु मोहिते, श्रीयुत महेंद्र नाना पवार, श्रीयुत बाजीराव नाना काले, श्रीयुत योगेश देवकर, श्रीयुत सचिन माळी, ये बिल्कुल भी आयोजन कमेटी। और इस आयोजन कमेटी ने काफी मेहनत मशक्कत की है यहां पर इस टूर्नामेंट को यहां तक लाने के लिए। 47 का रन चेस, 24 गेंदे और चेस करेंगे टीम पंडरपुर की बैटिंग लाइनअप। सनी और शेखर की जोड़ी वैसे है तगड़ी, लगती तो है बड़ी लेकिन चुनौती बिल्कुल नहीं। 47 रन, 47 धावा, सामना जिंकल्यानंतर मात्र हा टीम पोहोचणार आहे अंतिम आजच्या दिवसाच्या राउंड मध्ये, म्हणजेच प्री क्वार्टर फायनल राउंड मध्ये। आणि याच्यातील लुझर जो असणार आहे, सामना जो गमावणारा संघ असणार आहे, त्याला मात्र टीम माडा संघाबरोबर खेळायचे। याच्यातील पराभूत टीम माडा संघाबरोबर खेळेल, तो माडा टीम आपण सज्ज राहा। आणि आपल्याला तसा वेळ सुद्धा आहे होमवर्क करायला की कोण येणार आहे याच्यातील पराभूत टीम। चलेंगे गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए पहली ओवर लेकर शाम मुसई को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है, बॉलिंग करने के लिए, जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए आक्रामक डेंजरस आज के दिन के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सनी बल्लेबाजी करने के लिए होंगे स्ट्राइक पर। एसपी सर काय सुरुवात अपेक्षित असेल पंढरपूरकरांच्या दृष्टीने या जोडीकडून सलामीवीर म्हणून? वैसे देखा जाए तो ये जो बल्लेबाज है सनी अक्सर हमेशा आक्रमक की बैटिंग करना चाहते हैं, जो स्टार्ट मिलेगा वो स्टार्ट की वजह से आगे का मैच में रिजल्ट क्या होगा ये पता चलेगा। दरमियान पहला चेंडू शाम द्वारा और यहां शाम ने कर दिया अच्छा काम, डॉट बॉल भाई। काम आप वो करे काम की उस काम से बने नाम, और नाम भी ऐसा करे कि भाई उस नाम से हो जाए आपका काम। अच्छा शॉट ये भी, और इस बार गैप में एक्स्ट्रा का रीजन, फोर रन, कड़ाकेदार प्रहार केसीसी ट्रॉफी 2023-24 बना रहा है मिस्टर रैना, पंडरपुर का रैना रन लगातार दो गेंदों के बाद चार, काफी तगड़ी काबिलियत इस खिलाड़ी में। आक्रामकता का दूसरा नाम मिस्टर रैना, ये थोड़ा सा बाहरी सिरा लेकर गई है लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर गई है भाई। बाहरी सिरा हो या मिडल ऑफ द बैट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर रन तो मैं बनाऊंगा रैना का कहना। तीन गेंदों के बाद आठ, जीत का लक्ष्य 47, अब 40 के नीचे रिक्वायर्ड रन्स 39 नीडेड। उनतालीस रनों की और आवश्यकता यहां से आगे शाम, चलिए अभी भी अधूरा है काम। वाइड और कराएचा प्रयत्न, प्रतिम चेंडू, चेंडू मिस, लेकिन यू मिस आई हिट वाला कुछ प्रोग्राम अब तक नाई झाला शाम। चार चेंडू नंतर आठ अशी धाव संख्या,
चलिए पांचवी गेंद फिर डॉट रन. इस वक्त टोटल स्कोर बोर्ड पे 8 बड़े टीमों के दरमियान पड़ा मुकाबला. वैसे अगर कागज पे देखा जाए तो दोनों भी टीमें एक समान ताकत वाली नजर आई थी, लेकिन बैटिंग थोड़ा सा कमजोर हुई टीम जादोवाड़ी की. शॉट अच्छा लेकिन गैप में भी जा रहा है जिया. लग रहा था एक वक्त की ये जा रही गेंद फील्डर की ओर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. चलिए बाल बाल यहां पे सनी बच गए. वैसे ओवर कंप्लीट हुआ पहला और 9 रन. गैप में गेंद जरूर गई थी, थोड़ा सा अंतर था गेंद और फील्डर के बीच. और नसीब भी जो है ना शूर और वीरों को ही देता है साथ, या सनी को नसीब की साथ. क्षर क्रमांक दुसरो आणि त्याची तयारी टीम जादवाडी संघाकडून. आज सामना हा मात्र चाललाय तो 4th आणि एकूणच ग्रुप 3 तालुकाईज ग्रुपला सुरुवात झाली. आज झंझणीत आणि चटकदार असे सामने आपल्याला बघायला मिळाले, हाय व्होल्टेज सामने पाहायला मिळाले आज. रोमांचकारी लढती पाहायला मिळाल्या. तिसऱ्या दिवशी आपल्या स्पर्धेची सुपर ओव्हर पाहायला मिळाली. चला पंढरपूरकर या ठिकाणी मात्र सज्ज आहे. तर जादावाडी उरका जरा फास्ट घ्या, कॅप्टन मुन्ना मोरे उरका लवकर प्लीज. सरपंच ग्रामपंचायत 22 4th सामना आजच्या दिवसाचा एकूण 6 सामन्यापैकी. परत एकाचा बॉल बॉक्स मिळालेला आहे दादा सत्रे सर, आपल्या स्पर्धेचे बॉल बॉक्स जे बॉलचे स्पॉन्सर. मला वाटतं 2-3 बॉक्स दररोज त्यांच्याकडून इथं पोहोच होत आहेत. 10 दिवसासाठी लागणारे बॉल बॉक्सेस. कोण येते बॉलिंगला पाहूया. सागर टीम जादववाडीचा हा मात्र गोलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवरती पुन्हा सनी. सनी नॉन स्ट्राइकिंग एंडवर आणती आणि 9 धावा काढून 6 चेंडू मध्ये. हो ये क्या है भाई, ये तो गलती से हो गया है. चलिए गलती से मिस्टेक, लेकिन 9 बॉल का करार उस पे रन 1. हो डुप्लीकेट बिप्या पुनः एकदा फ्री हिट मात्र पंचांकडून इशारा. सागर इनटू सनी बोले तो पंढरपूरचा रायना राईट आर्म ओव्हर फलंदाज झाला आणि स्वतःसाठी राउंड द विकेट. हवे चेंडू फ्री हिटचा मात्र विशेष फायदा नाही घेता आला. एक धाव दुसरी धाव आहा 2 धावा. आत्ता मात्र धाव संख्या 12. नो बॉल निश्चित धाव संख्या डबल डिजिट मध्ये पोहोचलेली होती. दरम्यान 21 तारखेपासून आपल्याला सांगोल्याच्या ठिकाणी सुद्धा डे नाईटची क्रिकेटची स्पर्धा पाहायला आणि खेळायला मिळेल. 21/11/2023 पासून 2 हाफ तिथं ग्रामीणचे आपल्याला नॉकआउट राऊंडचे असतील आणि 20 टीमच्या दरम्यान सांगोला मर्यादित 20 टीम नॉकआउट राऊंड खेळून सेमीफायनलला येतील. 4 बक्षिसासाठी 4 टीम्स मिळतील आणि 2 सेमीफायनल आणि फायनल अशा मात्र शेवट दिवस असेल. तर 21 तारखेपासून नगराध्यक्ष चषक सांगोला 1.5 लाखाचं पहिलं बक्षीस. नाईटची स्पर्धा अवश्य लाभ आपण घेऊ शकताय. वाईड करार धाव संख्या या ठिकाणी मात्र वाढेल आहे. पंच मिस्टर पीके 13 नाबाद आणि 1.1 षटकानंतर 13 जिंकायचं लक्ष 47 धावांचं. 5 लाख मैदान में क्रिकेट वाली आग. ये बिल्कुल बैट के नीचे बहुत ऊंचा बहुत लंबा गगनचुंबी ये आसमानी प्रहार. सनी विटकर खिलाड़ी बिल्कुल हटकर कड़क शॉट कड़क प्रहार. केसीसी चषक षटकार धावात वाढ. धाव संख्या 19.
एक पॉइंट दोन षटकांनंतर सनी 17 नऊ चेंडू 17 खतरों का खिलाड़ी, बिल्कुल खिलाड़ी खतरा सनी विटकर, मैन फ्रॉम पंडरपुर। रियाज भाई बागवान, केके सर, कुछ प्लानिंग और वो प्लानिंग के तहत तो थोड़ा सा वो साइड में ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर और टिप्पा खाने के बाद और थोड़ा सा बाहर आउट स्विंगर डॉट बॉल 19 और बगैर विकेट अब तक। जादवाड़ी वर्सेस टीम पंडरपुर, इनके दरमियान ये मुकाबला और नॉकआउट राउंड का बिल्कुल मुकाबला। वैसे तो कुछ प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में जाने वाले टीम के लिए नॉकआउट राउंड, या जीतेंगे तो क्वार्टर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री मारेंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो भाई दोबारा लड़ने के लिए इनको तैयार रहना होगा, या फिर दोबारा एक चांस मिलेगा। लेकिन जो भी यहां हारेगी फिर उनके लिए एक नॉकआउट का राउंड, वहां हारने के बाद भाई सीधा घर जाना होगा, और जो जीतेगी वो या जीतकर जो पहुंची है प्री क्वार्टर फाइनल में उसके साथ खेलने का मौका रहेगा, मतलब प्री क्वार्टर फाइनल में मौका रहेगा। शेखर धोत्रे पकड़े गए मिड विकेट एरिया में, बड़ा हिट खेलने का प्रयास था। वैसे पंडरपुर के टीम में इस वक्त कुछ 3 खिलाड़ी चश्मा पहनकर, और जादव वाली टीम में भी ये कुछ काला सूट पहने वाले खिलाड़ी बिल्कुल चश्मा पहनकर निखिल, 3-4 खिलाड़ी आज ये मैच में चश्मा पहनकर खेलने वाले दिखे। विक्रम वाळुस्कर, जी हाँ बापू, यानी कि विक्रम वाळुस्कर भी कुछ चश्मा पहनकर गेंदबाजी करते हुए देखे, बाद में शेखर को बैटिंग करते हुए चश्मा पहनकर देखा हमने, और मिस्टर निखिल भी चश्मा पहनकर, या डैनियल विटोरी, कुछ सौरभ गांगुली चश्मा पहनकर, आजकल कुछ पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है याद नहीं नाम आ रहा है, लेकिन 1 डाउन 2 डाउन खेला वर्ल्ड कप में, और डैनियल विटोरी, सौरभ गांगुली वैसे चश्मा पहनकर कभी खेलते नहीं थे लेकिन चश्मा यूज करते थे। दरमियानी गेंद और स्ट्राइक पे इस वक्त एसबी, बोले तो सौरभ बारले, वाइड करार, एक और रन, 20वां रन टोटल और एक विकेट का नुकसान। अंतिम गेंद आ रही है इस ओवर की, वैसे तो दोबारा डालनी थी इसको, और डालने के लिए आ रहे 21 रन, 21 और जीत का लक्ष्य अभी भी 26 रनों से दूर। शॉट अच्छा है, दो की शायद मांग यहां नहीं होगी, क्योंकि तुलना करे तो ये मीडियम साइज मैदान है, उतना बड़ा भी नहीं उतना छोटा भी नहीं। अंतिम गेंद पर एक रन, 22 टोटल, अब 12 गेंदे और जीत के लिए चाहिए होंगे 25, 47 का टारगेट है 47, तो 12-25 यहां पर स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। जादवाड़ी टीम द्वारा अब ये आखिरी बचे हुए 2 ओवर्स डालेंगे कौन, वैसे 12-25 उतना बड़ा टारगेट है नहीं आज के आजकल के इस बिल्कुल भी प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट में। जल्दी करें थोड़ा सा मुन्ना राजे, थोड़ा सा जल्दी करें, इसके बाद और 2 मैचेस है, और 2 मैच। सरपंच आ रहे गेंदबाजी करने के लिए, मिस्टर मुन्ना राजे मोरे। चलिए बहुत कुछ निर्भर होगा, 12 बॉलों पर 25 बनाने हैं, 12 बॉलों पर 22 बना चुकी है टीम पंडरपुर। चलिए राइट हम राउंड जा रहे हैं, सामने स्टार ऑफ पंडरपुर इंदयार, मिस टाइम, और ये सेलिब्रेशन टाइम, विकेट सेलिब्रेशन का टाइम, दे ताली वो विकेट वाली।
मुन्ना राजे ने पहली गेंद पर भर दी अपनी विकेट से झोली। अर्जुन शेट पवार द न्यू मैन, सौरभ बार्ले उतना कुछ ज्यादा कर नहीं सके, लेकिन बड़ा नाम है इनका टेनिस क्रिकेट, पंडरपुर टेनिस क्रिकेट में। वैसे हाफ पिच टेनिस क्रिकेट के भी काफी खतरनाक खिलाड़ी है। 22 पे दो दो पॉइंट एक ओवर के खेल के बाद 11 गेंदे 25। अर्जुन शेट पवार नए बल्लेबाज, ये भी फॉर्म में चल रहे आजकल। पिछले मैच में इन्होंने बड़े बड़े शॉट्स खेले थे, अपना कॉन्फिडेंस वापस मिला, मतलब कमाया है, और इनसे उम्मीद आप कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। हवा में नीचे खिलाड़ी विकेट और एक बहुत बड़ी, मुन्ना राजे कमाल कर रहे मैदान में, और खुद के हाथ गेंद ली थी, खुद को खुद के ऊपर विश्वास यहां पर था, अहम ओवर था ये। ए ओवर में कम से कम रन देकर कुछ प्रतिस्पर्धी पक्ष के एक दो विकेट्स लेने थे तो पहली गेंद पर दो विकेट। अब 10 गेंदे 25, ढाई रन प्रति ओवर के हिसाब से। नहीं बल्लेबाज इस वक्त रवि, और यहां जाते रवि मैदान में जा रहे तब अर्जुन शेट कुछ बोले, भाई मैंने जो किया वो आप मत करना। कल मेरे ख्याल से कुछ विराट साहब को भी रोहित बोल रहे थे, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर बैठा, आप ऐसा मत करना, अंत तक आपको है रहना मैदान में। और पिछले मैच में जनाब रवि हिट विकेट हुए थे, चलिए वो एक बुरा वक्त था, वो एक बुरा सपना था, भूल गए होंगे। हाफ स्ट्राइक पे फिर एक बार, 22 पे 3 है। एसपी साहब फिर आ रहे, कुछ बॉटल पकड़े हुए, आइए आपका स्वागत फिर एक बार। आहा ये स्विंग, ये जबरदस्त स्विंग, कमाल की गेंद, बैकफुट पे खेलने वाली शायद ये गेंद नहीं थी, बैकफुट पे खेल बैठे, और ऐसा होता है जब आप पहली बार मैदान में जाते हो, प्रेशर सिचुएशन हो, मुश्किल होता है या आगे जाओ या पीछे। चलिए 22 में कोई बढ़ोतरी नहीं है, 9 गेंदों पर जीत के लिए 25। बड़ा हिट, तगड़ा हिट, शपल होकर मारा, और इस शॉट को भाई मारा कम घसीटा ज्यादा रवि, और यहां पे छा गए, बिल्कुल भी हो गए हावी मिस्टर रवि। 28 बड़ा हिट, केसीसी ट्रॉफी 2023 सिक्सर। तो चलेंगे बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त आसमानी खूबसूरत स्ट्रोक लगाया जाता हुआ, फिर से गेंदबाजी करने के लिए मुन्ना राजे गेंदबाजी करेंगे, सामने है बल्लेबाज रवि की दिया। ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारना चाहते थे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इस बार रिस्की रन लिया जाता हुआ। दोनों खिलाड़ी के बीच में बहुत सारी टक्कर भी यहाँ पर हुई, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी जगह से उठ गए, वहां पर एक रन बनाने का मौका मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे, यहां से मैच जीतने के लिए लगभग रन चाहिए। तो 18 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 7 गेंदों का खेल बचा, जीतने के लिए 18 रन चाहिए। काय वाटते तुम्हाला, 7 चेंडू आणि 18 धावा, पगडा कोणाचा भारी आहे सध्या? वैसे देखा जाए तो निश्चित ही मैच में कौन जीत सकता और कौन हार सकता है इस स्थिति में तो बता नहीं सकते, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक जीत का रास्ता खोल सकता है बैटिंग टीम के लिए। एक दौड़ गेंद अगर गिरेगी इस गेंद तो आने वाले गेंदबाज के लिए मैच बचाने का पूरा समय होगा वहां पर। अगदीच खरं, दरम्यान फिल्डिंग सेटिंग आणि त्याच्यानंतर हा चेंडू ड्राईव्ह मिड ऑफच्या दिशेनं, लॉंग ऑफ एरिया चेंडू, फॉलो थ्रू मध्ये अडवायचा प्रयत्न, मुन्ना राजे नाही अडवताला, एक धाव अखेरच्या चेंडूवर, आणि मिस्टर सनी विल कीप स्ट्राइक विथ हिमसेल्फ, एंड नाव इट्स अ 70 नीडेड फ्रॉम 6 डिलिव्हरीज, वी आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन ऑल्सो।
तो मैच जीतने के लिए आने वाले छह गेंदों में मैच जीतने के लिए लगभग 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 17 यानी कि क्रिकेट में कहते हैं बहुत बड़ा खतरा, खतरा किसे होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तय करेंगे 17 रन। तस पाहिलं तर खतरा तर प्रत्येक क्षणोक्षणी आणि पावलोपावली प्रत्येकाच्या समोर असतो। ये जिंदगी भी एक खतरा ही है मिस्टर एसपी सर, तो बिना खतरे की बात ही नहीं है। हर कोई रास्ता खतरे से ही भरा पड़ा है, तो भाई जिस रास्ते पर खतरा नहीं है वो रास्ते पर चलना भी कोई चलना है। चलेंगे नए ओवर की शुरुआत करने के लिए, गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलर है वहां पर अविनाश। खतरे के बिना मजा भी कहा, चलिए ये रन चेस और ये आखिरी पड़ाव आखिरी ओवर का मजा लेंगे हम। सनी फिर एक बार क्या बनाएगा पिछले वाले मैच की कहानी, मैच जैसी कहानी, जीत वाली कहानी। 17 और 6 गेंदों में 17। चलेंगे फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए। अविनाश की पहली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद मिली, इस बार इनको मारा जाता है, दो रन के लिए क्लियर में जाती गेंद। इन दो रनों के साथ अब मैच जीतने के लिए आने वाले 5 गेंदों में लगभग 15 रन चाहिए वहां पर हर गेंद पे 3। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ वहां पर, अब भी हौसले है, उम्मीद है वहां पर, उम्मीद है निश्चित ही हौसला है वहां पर, और उम्मीद तो होनी चाहिए क्योंकि एसपी सर उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस बार फिर एक बार मिश्रा विनाश इन टू सनी, ए लवली डिलीवरी, बहुत बढ़िया डिलीवरी, एक एक डॉट बॉल बिल्कुल सोने के भाव, बड़ा भाव, और वो बड़े भाव वाली गेंद यहां बिल्कुल भी नजर आई, अविनाश ने डाल दी। चले 4 गेंदे और जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता। फिर से बार ये गेंद, गेंद को आसमान में ऊंचा मारने की कोशिश में देखना, गेंद काफी ऊंची चली जा रही है, खिलाड़ी बहुत दूर है, एक तो मिलेगा दूसरी की दौड़ लगाई जा रही है, और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। मैच जीतने के लिए 3 गेंदे और 13 रन चाहिए वहां पर, 3-13 आणि 9-18 असे एक म्हण आहे आपल्याकडे मराठीत आहे, तर होणार कोणाचं 3-13-9-18 म्हणजे विस्कट विस्कट, कोणाचंच काय कोणाला मिळणार आहे, सगळी विस्कट विस्कट, होणार कोणाचं ते पाहूया। 3-13 तसेच बार गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए विजय गेंद, फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस गेंद, ऑन साइड गेंद को मारा जाता बा, निखिल जब तक गेंद को फील करते फिर भी एक रन लेने का मौका मिला और ओवर के रूप में दूसरा लेने की गुंजाइश कर रहे हैं भाई। एसपी सर का कितनी बड़ी गलती हो सकती है, ये एक रन जो है ना कितना अहम हो सकता है, यहाँ पर ये क्षेत्र रक्षक फील्डर बहुत गलत एंड पे थ्रो कर दिया, थ्रो मेरे ख्याल से एक रन ये बोनस में दिया गया जी, बिल्कुल दिवाली का वो भी बोनस है, बड़े बिल्कुल फेस्टिवल का, बड़े उत्सव का ये बड़ा बोनस हो सकता है। चलिए अब 2 गेंदों में कितने रन करने होंगे, 11, 2 गेंदे 11, मुकाबला लेकिन मैदान में बिल्कुल आ रहा। ओ ये रिलैक्स मोमेंट ज्यादा बड़ी टीम के लिए, सनी नहीं बना सका पिछले वाले मैच की कहानी, इस बार थोड़ा सा हो गया अनहोनी, हो गई अनहोनी, और टीम पंडरपुर के लिए अब नो बॉल वाइड बॉल अगर नहीं होगी तो मुकाबला यहाँ पे जादवाड़ी ने जीता है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। 1 गेंद और 11 रन, ऐसा शॉट तो नहीं है क्रिकेट में अब तक, मतलब अब यहां काश पिछली गेंद पे होता तो भाई मजा बनाए होता, लेकिन अब नहीं। चलिए अगले मैच में यहां जरा बराबर संघाट कैप्टन नहीं आई ताबड़तोड़, अगले मैच में हम कोशिश और ढूंढेंगे, कोशिशें बढ़ेंगी। आता दे बॉल अटका 2 में से 1 हारने वाली और 1 जीतने वाली टीमों के दरमियान अब मैच, और टीम जादवाड़ी पहुंची है आज के अंतिम मैच में, कांग्रेचुलेशंस, और आज का अंतिम मैच रहेगा प्री क्वार्टर फाइनल का, कांग्रेचुलेशंस जादवाड़ी, ये है अचीवमेंट आपके लिए बहुत बड़ी, कांग्रेचुलेशंस। कैप्टन आई थी सर्वानी 17 सरांच्या सुभाष से अपन टॉस कर दो, 17 सर वेलकम प्लीज, क्या पंडरपुर संघाचे कॅप्टन शेठजी या लवकर इथं आपण टॉस करूया, 17 सर इथं प्लीज, यस शेठजींना विनंती आहे, अर्जुन शेठजी।